कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिन पे टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, लेकिन कुछ मैच में रन पिटाने से उनका कॉन्फिडेंट डाउन हो जाता है। लेकिन अगर उनका हौसला बढ़ाया जाए तो वो अपना जो परफॉर्मेंस है और भी बढ़ा कर निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा यश दयाल की, जो उसने अभी हाल फिलहाल इंटरव्यू में या उसने ट्विटर में ये बताया है कि विराट कोहली ने मुझे पिक किया था और ऑक्शन में लेने के बाद जब गुजरात टाइटन्स से मैं खेल रहा था, रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारते तो मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया था, पूरा दिमाग मतलब कबाड़ा हो गया था कि मेरा करियर लगभग ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगले ही साल विराट कोहली की टीम ने उन्हें पिक किया और विराट कोहली ने ये कहा है कि हम आपको पूरे सीज़न खिलाएंगे, आप अच्छा खेलो तो भी खिलाएंगे, ख़राब खेलो तो भी खिलाएंगे, पिटाओ तो भी खिलाएंगे। ये कहना ही विराट कोहली के लिए यश दयाल का पूरा कॉन्फिडेंट बढ़ा दिया। और आप लोगों को शायद याद ही होगा आरसीबी और सीएसके का मुकाबला, जिसमें कि 17 रन चाहिए था एक ओवर में, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने पहले ही गेंद पे छक्का मार दिया था। गुरु 5 गेंद पे 11 रन चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी सामने हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर हुआ कमाल, जो महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारता वो गेंद आउट ऑफ स्टेडियम चली गई और गेंद चेंज हो गया। गेंद मानो गेंद नहीं चेंज हुआ, यश दयाल का किस्मत ही बदल गया। तो यश दयाल ने फिर अगले ही गेंद पे महेंद्र सिंह धोनी का आउट कर दिया और वहाँ से आरसीबी टीम ये जान चुकी थी ये मुकाबला हमारे रडार में आ चुका है और हमारी किस्मत भी हमारा साथ दे रहा है। तो यश दयाल के आउट होते ही, मतलब यश दयाल ने महेंद्र सिंह धोनी को आउट करते ही फिर शार्दुल ठाकुर आए, 2 या 3 बॉल आउट हो गए, फिर रविंद्र जडेजा को मिला मौका, वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। तो इस तरह से यश दयाल उस मैच के हीरो रहे। तो उस मैच के बाद उसके पिताजी ने ये इंटरव्यू में कहा था, जिस भी लोग ये कह रहे थे कि मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, अच्छा नहीं है, करियर ख़त्म हो गया, बस उनको एक ही कहता है, मतलब एक ही जवाब उनको दिए कि समय हर किसी का बदलता है, आप उनके बुरे वक्त, अगर आप उनके अच्छे वक्त में खड़े हैं तो उनके बुरे वक्त में भी खड़ा रहना चाहिए, जैसे कि विराट कोहली ने किया। इससे पहले भी विराट कोहली की तारीफ़ करते हुए रिंकू सिंह ने कहा, अगर मुझे केकेआर रिटेन नहीं करती तो मैं बिना अगर मगर या बिना कुछ कहे आरसीबी की टीम से खेल सकता, सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से। देखो विराट कोहली का कुछ तो है ना माई भाई, कि जितने भी यंगस्टर हैं सब आना चाहते हैं, कुछ तो खास बात है, हो सके हम्बलनेस हो, या हो सके उनके साथ खेलने को सीखने को बहुत कुछ मिले, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हालांकि ये सारी चीज़ें तो इंटरनली होती, उनको ही जान जो उनके साथ रहते वही बेहतर जान पाए। लेकिन अभी आने वाले जो टेस्ट मैच होने वाले हैं, हम चाहेंगे कि विराट कोहली फॉर्म में है, क्या कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होने वाला बॉर्डर ग्रासकोट ट्रॉफी, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा रन बनाएंगे। अगर हम जीतते हैं आसानी से या बड़े मार्जिन से तो हम डायरेक्ट WTC में जा सकते हैं, और भारत WTC अभी तक एक बार भी नहीं जीता। इस बार अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी बहुत सारे खिलाड़ी, जसप्रीत बुमराह को संभाल के रखा है BCCI ने, तो देखते हैं कहाँ तक कमाल होता है। अगर आप लोग यहाँ तक आएँ तो वीडियो को लाइक करें, अगर यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तो यहाँ के लिए बाय बाय।